ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा विचित्र मोहिनी मंत्र जिससे कि किसी को भी अपने अधीन किया जा सकता है। ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि कुछ ऐसी रसायन होती थी, कुछ ऐसे इत्र बनाए जाते थे जो कि किसी को भी सम्मोहित कर लेते थे। आपने आजकल की एड्स में भी देखा होगा कि कोई परफ्यूम लगाते हैं और उनके पीछे जो है स्त्रियां दीवानी हो जाती हैं। तो ये सब कुछ जो है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये जो मोहिनी मंत्र है ये इतिहास में कहीं लुप्त हो गया था, लेकिन अथक प्रयासों के बाद आज मैं इसको आपके सामने उजागर करूंगा। ये इतना प्रभावी है कि सिर्फ सुनने मात्र से भी काम कर देता है और इसकी विधि भी बड़ी सरल है। यदि इसका पूर्ण विधि से पालन करके किसी पर भी इसको लगा दिया जाए तो वो दिन रात बस साधक की माला जपता रहेगा। ये इतना चमत्कारी है कि जो साध्य है वो खाना पीना भूलकर, भूख प्यास नींद सब कुछ भूलकर बस साधक के वश में रहेगा, बिलकता रहेगा जब तक उसे साधक दिखेगा नहीं। इस मंत्र में वो सारी शक्तियां हैं जो कि किसी को भी आपका गुलाम बना सकती हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक लगने वाला मोहिनी मंत्र जो कि इतनी खूबियां लेकर अपने साथ बैठा है कि बस एक ही दिन में आपका काम बना देगा। मैंने अपने बहुत से क्लाइंटों का काम इससे बनाया है और जब कभी सात समंदर पार कुछ करना होता है, जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो फॉरेन में भी हैं और मलेशिया, यूके और जो आपका अमेरिका है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंडिया से गए हुए क्लाइंट हैं, कुछ फॉरनर भी हैं, तो उन सब का काम बनाने के लिए मैं इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ। ये इतना प्रभावी है कि सात समंदर पार भी किसी को आकर्षित कर सकता है। जब कोई चीज़ सात समंदर पार भेजते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही पावरफुल चीज़ चाहिए होती है। तो ये जो मंत्र है ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। कई बुद्धिजीवी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, मैं आपका मंत्र आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कैसे होगा। तो कईयों को मैं मना करता हूँ कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको ट्राई करते हैं और लाभ की जगह उन्हें हानि मिलती है। तो यदि मैं कह दूँ आपसे कि ये जो मंत्र है ये आपसे नहीं हो पाएगा, इसको मत कीजिए, तो इसका अर्थ है कि इसको मत कीजिए। बहुत से ऐसे घटक होते हैं जो देखने पड़ते हैं। हर कोई किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है सिद्धि में और उसके बाद एक गुरु निपुण होता है। आप मेरा 10 मिनट का वीडियो देखकर कुछ भी नहीं सीख सकते, इसके लिए बहुत सी साधनाएं होती हैं, उसके बाद ये मंत्र जो है सिद्ध होते हैं। लेकिन यदि पूर्ण विधि से किया जाए तो ये पल भर में चमत्कार कर देगा। जहां फूल मुरझाए हुए पड़े थे वहां पर बसंत आ जाएगा। मंत्र बहुत ही कारगर है, इसलिए इसका गुंफन जो है सोच समझ कर करना चाहिए।
किसी को भी अपने अधीन करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जबकि आपके ऊपर कोई विपदा आन पड़ी हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि बस यही जो है ये आखिरी रास्ता है, इससे आपका घर बच सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि जन कल्याण हो, किसी आपके चहेते का कल्याण होता हो, तो इसका अवश्य प्रयोग कीजिएगा। मंत्र में आपको बता देता हूं, मंत्र है ओम ऐं ओम ओम हूं हां ग्लोम हूं शं सर्वजीव वश करी त्रि जग मनमोहिनी त्रिलोक्यम मे वशमनाय एम एहि एहि ब्राह्मणि वर्णमय सर्वे मे वशमनाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से ओम ऐं ओम ओम हूं हां ग्लोम हूं शं सर्वजीव वशकरी त्रि जग मोहिनी त्रिलोक्यम मे वशमनाय एहि एहि ब्राह्मणि वर्णमय सर्वे मे वशमनाय स्वाहा। आपको क्या करना है कि कोई भी इत्र लेना है आपको, और याद रहे कि जो भी इत्र आप लें वो अच्छी क्वालिटी का हो। उस इत्र में इस मंत्र को 100 दफा आपको इन्फ्यूज कर देना है। जब किसी भी इत्र को आप इस मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित कर देते हैं तो वो एक मोहिनी रसायन बन जाती है, और जिस साध्य का नाम लेकर आप इस मोहिनी इत्र को बनाएंगे वो देखते ही देखते आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसमें आप कोई भी अपना मनपसंद इत्र ले सकते हैं, कोई भी ऐसा परफ्यूम ले सकते हैं जिसमें कि अच्छी सुगंध आती हो और उसकी कंसंट्रेशन जो है थोड़ी ज़्यादा हो। कई जो होते हैं परफ्यूम वो डाइल्यूटेड होते हैं, तो उनको मत लीजिएगा। जो परफ्यूम अच्छे हों जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो उसको लीजिएगा। और जब भी आपको कोई मौका मिले कि अपने साध्य के पास जाने का तो इस परफ्यूम को लगा के जाइएगा। पहले ही दिन से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यदि इस परफ्यूम को लगाए हुए आपके साध्य ने आपसे बातें कर ली, आपके समीप आ गए, तो समझिए आपका काम हो गया। एक बार इसकी वांस जो है अगर उन्होंने सूंघ ली तो कुछ ऐसा घटित होगा जो कि अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा, जिस पर कि आपकी आंखें विश्वास नहीं करेंगी। कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप एक चमत्कार देख पाएंगे कि ऐसा भी इस धरा पर होता है। लेकिन इसे इस्तेमाल में लाने से पहले आपको कुछ घटक हैं जिनका कि पालन करना होगा। इसके सिवा यदि आप करते हैं तो इसमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। सबसे पहले तो जब भी आप ये साधना करें उस काल में आपको बिल्कुल सात्विक रहना है। मान लीजिए आपने आज से साधना शुरू की है और उसके बाद जब तक ये प्रयोग सफल ना हो जाए तब तक आपको सात्विक रहना है। अपने स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट ना सोचें, बिल्कुल शांत मन के साथ सात्विक जीवन जीते हुए इस साधना को कीजिएगा। मांस मदिरा बीड़ी गुटखा अंडा शराब ये सब जो है वर्जित है। वैसे तो जमीन पर सोना चाहिए लेकिन आजकल के युग में अगर चारपाई है बेड है तो आप उस पर भी सो सकते हैं, लेकिन इस साधना को करते हुए जमीन पे सोना बताया गया है। कभी भी इस साधना को किसी तीसरे व्यक्ति से ना बताएं। जब तक ये साधना फलित ना हो जाए तब तक किसी तीसरे को इसके बारे में ना पता लगे। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये साधनाएं हैं
ये किसी पंडित, किसी तांत्रिक, किसी को भी आज तक बताई नहीं गई है। ये जितनी भी साधनाएं हैं ये अति गोपनीय हैं। इसका जो सोर्स है वो मैं हूँ। और यदि आप सोचते हैं कि आप अपने पड़ोस के पंडित से जाकर ये पूछ लेंगे तो माफ़ कीजिएगा, उन पंडितों को, उन तांत्रिकों को इसके बारे में भनक भी नहीं है। ये अति गोपनीय विधियाँ हैं जो कि लाखों वर्षों से दबी पड़ी थी। तो वो जो सज्जन हैं जो सोचते हैं कि पड़ोस का पंडित उनको ये साधनाएं बता देगा, तो माफ़ कीजिएगा, ये साधनाएं केवल और केवल यहीं मिलेंगी। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी ऐसा कहीं त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9998416625 पर। मेरी मेल आईडी है info@mohiniwidya.com। धन्यवाद।